दिल्ली में मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है तो आतिशी मार लेना अब नई सीएम बनने जा रही है। लेकिन भाजपा और राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल ने आतिशी के ऊपर हमला बोला है। इनका कहना है कि आतिशी के परिवार ने आतंकी अफजल गुरु की फांसी रोकने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी थी। आपका क्या मानना है, आतिश दिल्ली के लिए बेस्ट सीएम हो सकती है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अब आप सबसे पहले वो प्रतिक्रिया सुनिए किरेन जीजू, उनका क्या कुछ कहना है सबसे पहले वो सुनिए, उसके बाद में स्वाति मालीवाल की भी प्रतिक्रिया आप जरूर से सुने। दिल्ली में आम आदमी का सरकार आने से दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं और पछता रहे हैं। मैं अन्ना हजारे को भी दोषी देता हूं, उन्होंने पैदा किया है अरविंद केजरीवाल, नहीं तो दिल्ली के लोग इतना तड़पना नहीं था, झूठ बात बोल करके यहां चुनाव जीत करके दिल्ली को बर्बाद किया है। अब मार्लिन का क्या है, मार्क्सिस्ट और लेनिन का जुड़ा हुआ नाम है, तो वो लेफ्टिस्ट है। मरलिना, आतिशी मरलिना का फैमिली लोगों ने अफजल गुरु के पक्ष में खूब हल्ला बोला, सुप्रीम कोर्ट को भी क्रिटिसाइज किया। अफजल गुरु जिन्होंने पार्लियामेंट को अटैक किया, भारत में टेररिज्म को आगे बढ़ाया, उनके पक्ष में ये मरलिना का फैमिली था, इसका जवाब कौन देंगे? लेकिन जो भी हो, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को तो बर्बाद कर दिया, पंजाब को भी बर्बाद कर रहे हैं। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पेटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मार्लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्य